हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी लाइव 23। गाइस, आज हमारे बीपीएससी इंटरव्यू के गेट के सामने तो एक एस्पिरेंट है, तो इनसे हम पूरी बात करेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इनकी बुक लिस्ट क्या रही और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको और सर सबसे टीम को। ओके सर, सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए सर। मेरा नाम संतोष कुमार है और एजुकेशन ग्रेजुएशन है और वर्तमान में मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके सर, तो यानी ये सर कैसे संभव हो पाया कि जॉब के साथ में बीपीएससी का इंटरव्यू देना, ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली इसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप जॉब के साथ में कैसे मैनेज किए चीज़ों को? सबसे बड़ी बात होती है कि प्रायोरिटी, हम प्राथमिकता क्या तय करते हैं और हम उस पर कितना वर्क करते हैं। बिल्कुल सर, तो इसीलिए जॉब वाले समय 4-5 घंटा 6 घंटा जो भी मिले अगर तल्लीनता से देते हैं तो बहुत सारे आज जॉब वाले हमारे बीच में थे। तो हाँ सर, आपने जैसे इंटरव्यू में जब पैनल में गए तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? क्या आपके मेंबर कोऑपरेटिव थे या फ्रेंडली थे? कैसे आपको इंटरव्यू के अंदर कैसे लगा आपको पैनल में? जहाँ तक मेरे अनुभव की बात है तो मुझे काफ़ी जो है वो कोऑपरेटिव लगे, एकदम सहयोगात्मक रवैया जो है पूरे इंटरव्यू के दौरान रहा और जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट आज के परिप्रेक्ष्य में है वो सब चीज़ें पूछी गई। तो सर किस तरीके से क्वेश्चन थे, जैसे मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, G20 समिट, कौन से क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन? कुछ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑप्शनल हो गया, उसके बाद वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और बिहार रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें चर्चा में हैं, जो कि सब इस चीज़ के लेकर अवेयरनेस है, वही सब चीज़ चर्चा की गई। तो आपने जैसे जॉब के साथ में आपने कौन सी कैसे तैयारी की? आपने स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया, एनसीईआरटी को, आपने किस तरीके से तैयारी की? देखिए, एनसीईआरटी तो एक बेसिक बुक है जिसके साथ सबको जाना होता है क्योंकि मूलभूत समझ वहीं से जो है विकसित होती है। उसके बाद अपने स्तर को बढ़ाने के लिए अन्य भी सामग्री का सहायता लिया जाता है, तो जो भी मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैंने उसके आगे भी लिया। तो आपने कोई कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी तैयारी की? देखिए, आजकल ज़माना जो है ऑनलाइन हो चुका है, तो इसीलिए हम कहीं भी रह सकते हैं, तो हमारे कई मार्गदर्शक हैं, कई दोस्त है, तो सब लोगों का जो है, हमारे शिक्षक भी है, तो जहाँ हमको लगा कि मदद की ज़रूरत है मैंने वहाँ उस प्लेटफॉर्म से मदद लिया। तो एडवांस बुक के लिए आपने स्पेशली कैसे क्या किया? जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, कैसे आपने क्या किया? देखिए, स्पेक्ट्रम जो है इतिहास का जो सामरिक और विशेष अध्ययन है वो हमें उपलब्ध कराता है और बिहार में अगर देखा जाए आयोग के द्वारा जो है अधिकांश आधुनिक भारत से प्रश्न पूछी जाती है, तो उसमें स्पेक्ट्रम का काफ़ी योगदान रहता है। और हालिया दिनों में जो प्रवृत्ति बदल रही है तो उसमें जो है और थोड़ा सा अवलोकन की ज़रूरत है। ओके सर, और दूसरी बात सर कि आप जैसे मतलब आंसर राइटिंग आप मेंस देते हैं, लेकिन आपने आंसर राइटिंग को किस तरीके से और कैसे लिखा? क्योंकि जो आपका रैंक डिसाइड करेगा गाइस वो आंसर राइटिंग ही डिसाइड करेगा, तो आपने आंसर राइटिंग कैसे की और फ्लो चार्ट डाइग्राम कैसे किया आपने? मैं इसके पहले भी मेंस में अपेयर हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरा चयन नहीं हो पाया था इंटरव्यू के लिए, बट इस बार जो है मैंने उसको अलग तरीके से जो डिमांड है आयोग का उसके अनुरूप जो है मैंने तैयारी की। कई टॉपर्स का मैंने कॉपी देखा और उसको अपने तरीके से पालन करने का कोशिश किया। तो यानी आपका कहना है कि मैंने कई टॉपर्स के कॉपी देखे गाइस इसी तरीके से, और आपने क्या POIQ देखा था या फिर ट्रेंड एनालिसिस, किस तरीके से आपने POIQ और टॉपर्स के कॉपी को मिला के आपने किया? देखिए, किसी भी तैयारी का एक सार POIQ भी होता है, उससे हमें पिछले बस जो प्रश्न आ रहे हैं उसकी प्रवृत्तियों का पता चलता है और आगे हमको कैसा दिशा तय करना है, कैसा टारगेट फिक्स करना है, वो भी मुझे जानकारी मिलती है, इसलिए मैंने दोनों का सहयोग लिया। तो आपका मतलब लास्ट मैसेज मोटिवेशन क्या होगा माय चैनल पे स्टूडेंट के लिए? बस अगर आपने प्रायोरिटी ठान लिया है कि हमें इसमें आना है, सिविल सर्विस में आना है, आप लगे रहिए, एक दिन आप जो है इस बेहतरीन करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यू सर। आपका होप करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम टू बीपीएससी लाइव 23। गाइस, आज हम बीपीएससी भवन पे, तो सर हमारे साथ में है, तो आज इनकी पूरी बुक लिस्ट, पूरी स्ट्रेटजी और इनका कौन सा अटेम्प्ट है मीडियम के यहाँ, तो सारी जानकारी लेंगे सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम सुधांशु कुमार है और ग्रेजुएशन किया है। ओके सर, तो ये जो आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या था सर आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। ओके सर, और तीसरा बार मैं साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहा हूँ। और मीडियम क्या था सर आपका? हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने मतलब बुक लिस्ट कौन कौन सी फॉलो की? जैसे होता नहीं कि GS1 GS2 GS3, इस तरीके से आपने UPSC और BPSC को इंटीग्रेटेड करके। सबसे पहले तो
जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न को देखते हुए सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बेसिक नॉलेज जो होता है उसको अध्ययन करना जरूरी है, साथ ही साथ उसका शॉर्ट नोट्स बनाना, और उसके बाद बेसिक नॉलेज हो जाने के बाद फिर आप कोई अच्छे राइटर का बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए, और सिलेबस में आपसे किस किस टॉपिक से कैसा कैसा सवाल पूछा जा रहा है उसको अच्छे से कवर करें, उसके बाद उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं और मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करें। यानी तो आपका जो मेन फोकस है वो मल्टीपल रिवीजन का है, ये कहना आपका? जी जी। तो आपने जैसे एनसीईआरटी पढ़ी है, कोई एडवांस बुक स्टार्ट में किया कैसे? बेसिक मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ एडवांस बुक जो हैं उनको मैंने फॉलो किया और उन सभी का शॉर्ट नोट्स बना लिया, उसके बाद मैंने सिलेबस को अच्छे से उसका गहन अध्ययन किया, उसके बाद मैंने तैयारी करी। तो एनसीईआरटी क्या थी, 6 to 12 थी या फिर जैसे 11-12 पढ़ना, कैसे किस तरीके से आपने स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो बेसिक में 6 to 12 ही आता है, आप उसको अच्छे से करें, और उसके बाद जैसे ज्योग्राफी में महेश कनवाल या और कोई बुक्स हैं, या हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हुआ, ये सब बुक पढ़ें। अच्छा सर, तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। एडवांस बुक में आपने जैसा होता ना कि आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या फिर मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और सारी बुक, तो कैसे आपने कहाँ से कैसे किया? हाँ, जैसे आप जैसे हिस्ट्री के लिए देखते हैं तो उसमें स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, फिर आर्ट एंड कल्चर का भी एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक का फॉलो कर लें। बुक कोई भी हो, आप बार बार बुक को चेंज नहीं करें, जिस बुक को आप एक बार उपयोग कर रहे हैं मल्टी टाइम उसी को यूज करें, ये इम्पोर्टेंट होता है। जी सर। और सर एक बात और कि जैसे आपने अभी पिछला 2 इंटरव्यू दिया, तो उसमें क्या आपकी कमियां रही हैं कि 2 इंटरव्यू देने के बाद 3रा इंटरव्यू दे रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन में आपकी मार्कशीट आई होगी, तो आपने क्या क्या कमियों को सुधार करके आपने 3रा इंटरव्यू दे रहे हैं? हाँ, बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि पहली बार जब आप इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारे अंदर से हिचकिचाहट रहती है, क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, तो वो सब चीज़ें थी। बहुत चीज़ आते हुए भी बता नहीं पाना, ये समस्या होती है, तो इन सभी चीज़ों पे मैंने अच्छे से वर्क किया था इस बार। तो जो आपका बोर्ड था यानी इंटरव्यू का पैनल था वो बिल्कुल फ्रेंडली था या फिर कैसे था? और दूसरी बात कि आपके क्वेश्चन कहाँ से थे, डेव थे या करंट अफेयर, किस बेस पे थे? मेरा मोस्टली क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर, और चूँकि मैंने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसी को मैंने ऑप्शनल बनाया है, तो उससे था। तो आपके करंट अफेयर्स पे कौन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर में मालदीव में अभी जो भारत और मालदीव का रिलेशन के बारे में, उसके बाद इसराइल के बारे में पूछा गया, कुछ पर्यावरण रिलेटेड से भी सवाल थे। ओके सर। और दूसरी बात ये कि कोई गेम से या किसी और से ऐसा कुछ पूछा गया? नहीं, मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं। और आपका जो स्ट्रेटजी है, आपके लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि जो आप बीपीएससी का देखिए अभी जो पैटर्न हुआ है, चेंज हुआ है, 69 में बीपीएससी जो अभी हुई रिसेंटली वो यूपीएससी की तरफ लगभग मतलब पैटर्न उसका यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरा मानना है कि आप डीप स्टडी करें, बेसिक बुक को फॉलो करें और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें, ये 3 चीज़ करेंगे तो फिर आपको समस्या है। और एक बात और सर कि आपने आंसर राइटिंग किस तरीके से की, क्योंकि आप मान लीजिए प्रीलिम्स आप निकाल लेते हैं लेकिन जो आपका रैंक डिसाइड करता है, जो आपके वो सिलेक्शन दिलाता है, वो आपका आंसर राइटिंग है मेंस है, तो आपने किस तरीके से मेंस को फॉलो किया? आंसर राइटिंग के लिए मैंने सबसे पहले बीपीएससी के द्वारा जितने आज तक एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने अच्छे से सॉल्व किया, उसके बाद फिर मैंने 1-2 टेस्ट सीरीज में भी अच्छे उसको प्रैक्टिस किया और रेगुलर आंसर राइटिंग में करता था। जी, अभी जैसे इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो इंग्लिश मीडियम में बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, मैप उसमें करते हैं, तो क्या आपने हिंदी मीडियम में कुछ ऐसा इनोवेशन किया आपने? अभी देखा जाए तो बीपीएससी में बिना इनोवेशन का कोई चीज़ होगा ही नहीं। आपको फ्लो चार्ट, डायग्राम, कुछ रिपोर्ट्स है उसको अच्छे से कोट करना है, साथ ही साथ किसी का कोट्स अच्छा याद आ रहा है तो उसको आप ऊपर में लिख सकते हैं, ये सभी सारे चीज़ें मैंने की। ओके सर, बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू, और मैं दुआ यही करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू सर। धन्यवाद।